बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं फ़ाद फारूक और मैं आज आपको बताऊंगा इस्लाम 360 के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की जा रही है। इस ऐप में डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, जिस तरह के प्रेजेंट से है, हदीस ऑफ द मोमेंट है, आयत ऑफ द मोमेंट है, वर्ड ऑफ द मोमेंट है, या डिफरेंट और चीज़ें हैं। कायदा दिया गया है, शहादत दी गई है नीचे, और काफ़ी तस्बीह की ऑप्शन है, अल्लाह के नाम दिए गए हैं, ग्रीटिंग की ऑप्शन दी गई है कि आप इससे बनाकर भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट से का मकसद बेसिकली ये है कि आप कुछ भी बोलकर सर्च कर सकते हैं कुरान की आयत, और अभी मैंने किया भी था। दूसरा, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हदीस खोलना चाहें तो इसको इसके थ्रू खोल सकते हैं। नीचे कुरान का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो कुरान का टैब खुल जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुरान के तमाम सूरतें दी गई हैं, 16 सफ़ों का कुरान दिया गया है, 15 सफ़ों का कुरान दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो सर्च का ऑप्शन है। आप कोई भी वर्ड अगर टाइप करेंगे तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मोहम्मद लफ्ज़ टाइप किया और वो मुझे मोहम्मद के टैब के ऊपर ले गया, और मोहम्मद की आयात के ऊपर हमें ले जाता है। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं कुरान के अंदर कौन से लफ्ज़ की कितनी आयात हैं, या किस तरह कर सकते हैं। कुरान फहम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें तो काफ़ी लेवल्स दिए गए हैं, और जिसको पार करके आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा इंग्लिश और उर्दू में टेस्ट हैं, ताकि एक इंसान उर्दू या इंग्लिश में कुरान सीख सके। तो यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि इसको इम्पोर्टेंटली हाइड पार करें, लेवल डिफरेंट पार करें, ताकि वो कुरान को जल्द से जल्द सीख सकें। इसके अलावा इसमें डोंट एंड डूज़ दिए गए हैं कि कुरान में क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आगे हमें एक टैब है, हदीस के बारे में बताया गया है। हदीस की तमाम किताबें ऑनलाइन कर दी गई हैं इस ऐप के थ्रू, और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी हदीस किस वक्त की है, सारा कुछ इसमें बयान किया गया है। इससे अगला टैब जो है वो इबादत का टैब है, और इबादत के टैब में आप देख सकते हैं कि हमें प्रेयर नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें रोज़ा, हज, उम्रा के बारे में बताया गया है, और नमाज जनाजा के बारे में दुआएं बताई गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम पर सीखना लाजिम है, और ये बहुत अच्छी ऐप बनी हुई है। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों और बहन भाइयों को भी पता चल सके कि आपने कोई अच्छी चीज़ शेयर की है, या आप किसी कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। शुक्रिया।